हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। और आप देखिए कि 10.55 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा। एक ग्रोथ मोमेंटम बना था इसमें पिछले दिनों, बट उसके बाद यहां पर दोबारा से गिरावट हुई, स्पेशली आफ्टर द स्पेक्ट्रम ऑप्शन। हालांकि स्पेक्ट्रम ऑप्शन का इतना बड़ा असर नहीं देखने को मिला है जहां तक बात रही है हमारी। जो यहाँ पर असर देखने को मिला है उसके पीछे बड़ी वजह है, बड़ी खबर है, उस खबर की बात करेंगे, विच इज रिलेटेड टू द फंड रेजिंग। फंड रेजिंग को लेकर के जो एक बड़ी खबर आई थी उसका एक असर हमें बाजार पर देखने को मिला है और उसी की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई थी। स्पेक्ट्रम ऑप्शन, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि स्पेक्ट्रम ऑप्शन का असर हुआ है, हालांकि उसका भी असर होता है। देखिए, जब भी कोई बुरी खबर आती है कंपनी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, तो उसका असर श्योरली देखने को मिलता ही मिलता है, बट उसका असर इतना ज्यादा नहीं होता है कि स्टॉक संभलने लगे और उसके बाद फिर से गिरावट हो जाए, क्योंकि उस खबर को ऑब्जर्व कर लिया था बाजार ने। सभी को पता था कि वोडाफोन आइडिया को वो स्पेक्ट्रम ऑप्शन नहीं जीतने वाली है और वो जियो को ही मिलेगा, ठीक है, जितना बड़ा बिड किया था हम लोगों ने। बट उसके 4G का जो स्पेक्ट्रम है वो उसके लिए ऑलरेडी इन लोगों ने प्लान किया हुआ है बहुत सारे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। फंड रेजिंग एक प्रॉब्लम है और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या स्टॉक में इससे ज्यादा गिरावट हो सकती है नेक्स्ट वीक में या नहीं। खरीदारी करने का डिसीजन अगर कोई ले रहा है तो क्या यहाँ पर खरीदारी करने का डिसीजन सही हो सकता है, कितना टारगेट करना है, कितना इसमें पैसा बना सकते हो, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं कर दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी होता है, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हो अगर आपको दिन में कोई जानकारी चाहिए। वहां पर 24/7 न्यूज अपडेट्स मिलती रहती हैं मार्केट से रिलेटेड, तो उस पर भी आप जाकर अपनी खबरों को अपडेट रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीडियोज मैं सिर्फ शाम को अपलोड करता हूँ, बट वो वहां पर बहुत सारे एनालिस्ट लगे होते हैं आर्टिकल्स पोस्ट करने में, तो वहां पर आप बेहतर जानकारी ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्टिकल्स होते हैं, तो प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर एक वीक की बात करें वोडाफोन आइडिया में, तो यहाँ पर ठीक ठाक मोमेंटम बना था हमारा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप देखोगे तो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑप्शन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 3 मार्च को स्पेक्ट्रम ऑप्शन के रिजल्ट भी आ गए थे लगभग 3 मार्च तक। बट उसके बाद यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, तो ये बात तो साफ हो जाती है ना कि स्पेक्ट्रम ऑप्शन का उतना असर देखने को नहीं मिला है जितना कि फंड रेजिंग की जो खबर थी उसका मिला है, क्योंकि फंड रेजिंग अखिल ने मना कर दिया है, वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। बट यहाँ पर देखिए कि स्पेक्ट्रम ऑप्शन की खबर को ऑब्जर्व कर लिया गया है बाजार ने। अब जो दूसरी खबर है, यहाँ पर एक जो चीज है कि यहाँ बाइंग करनी है या नहीं करनी है, तो वो देखोगे 10.55 रुपए का स्टॉक है, बेरिश जोन में स्टॉक हमारा ऑलरेडी जा चुका है। तो जब भी स्टॉक बेरिश जोन में होता है उस लेवल पर बाय करना प्राइस कम में मिल जाता है, बट वहां से लगातार गिरावट भी हो सकती है, वहां से डाउन ट्रेंड में स्टॉक हमारा जा सकता है। और वही एक बड़ी वजह भी रही है कि अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो आपको आने वाले 1 हफ्ते में या 2 दिन में 4 दिन में आपको बड़ा अच्छा खासा एक रिटर्न नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है। हालांकि वोडाफोन आइडिया स्टॉक बुरा नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पर रिकवरी की स्टॉक है, अर्पू रेट भी सुधर रहा है यहाँ पर, जिस तरह इनका डेप्ट लेडिंग कंपनी थी वहां पर डेप्ट भी कम होता हुआ दिखाई दिया है, AGR को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देता है, तो काफी रिकवरिंग कंपनी है, काफी तेजी से रिकवर कर रही है, जो प्लान्स लॉन्च करती है, जो लगातार आदित्य बिरला के साथ इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च करने का प्लान किया था वो भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो काफी बड़ी खबरें इस स्टॉक में है और इसीलिए मैं इसे बुरा स्टॉक नहीं कहूंगा, अच्छा स्टॉक भी नहीं कहूंगा, बट हाँ बाइंग की जा सकती है। बट हाँ, इस समय पर बेरिश जोन में है, बुलिश में नहीं है, तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है। अगर आप बाइंग करते हो तो होल्ड करना पड़ सकता है आपको स्टॉक, और लंबे समय तक के लिए होल्डिंग हो सकती है आपकी। यहाँ पर EMA देखोगे तो सिर्फ 200 डे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अदरवाइज सारे EMA ब्रेक कर चुका है, सारे सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुका है फ्राइडे की ट्रेडिंग में। फ्राइडे की ट्रेडिंग में मोस्टली आप देखोगे तो गिरावट का ही माहौल बना था, और गिरावट ना 2 वजहों से हुई थी फ्राइडे को। पहला रीजन था कि जो फंड रेजिंग की खबर आई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, दूसरा रीजन था कि बाजार में लगातार एक बिकवाली का माहौल देखने को मिला है, उसका असर भी हमें इस स्टॉक पर देखने को मिलता है। तो वो एक बड़ी खबर हो जाती है, जब भी हमारा कुछ इस तरह का खबर आती है, देखिए बाजार में पैनिक होगा तो उसका असर हमें साफ तौर पर अपने स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बाजार इंड्यूस्ड ही स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, जब भी बाजार में गिरावट होती है तो पैनिक वहां का यहाँ पर भी शिफ्ट होता है। वही एक बड़ा कारण बना था कि अगर 4% गिरावट होगी तो 2% की गिरावट हमारी आप बाजार इंड्यूस्ड मान सकते हो, ठीक है। तो अब उसकी बात नहीं करते हैं, हालांकि अब यहाँ पर देखोगे तो वीकली डिलीवरी हमारी 30% के आसपास की वीकली डिलीवरी है, जो कि काफी अच्छी है। मतलब ये है कि यहाँ पर बाइंग अभी भी लोग कर रहे हैं, और वो लोग बाय कर रहे हैं जिनका पर्पज लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, जिनका पर्पज पैसा बनाना है इस स्टॉक में। इस स्टॉक में पैसा बनेगा बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और वो चीज आप डेली डिलीवरी को भी देख के समझ सकते हो कि देखिए डेली डिलीवरी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है यहाँ पर। 30% 1 मार्च को 70 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं,
दो मार्च की बात करें तो 2 मार्च को 18% यानी कि 67 मिलियन के आसपास शेयर्स बाय किए गए फुल लॉन्ग टर्म पर। 3 मार्च 68 मिलियन, 4 मार्च 69 मिलियन, 5 मार्च 154 मिलियन शेयर्स बाय किए गए। आप देख सकते हो 39-40% के आसपास डिलीवरी है। 5 मार्च को कितनी भारी भरकम खरीदारी हुई है और वो भी तब जब प्राइस में गिरावट हुई हमारी 4% के आसपास शेयर प्राइस लुढ़का, उसके बावजूद भी 40% से ज्यादा की यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बन रहा है। साफ तौर पर एक बात होता है कि यहाँ पर आप खरीदारी करते हो तो पैसा बनेगा ही बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा, बट बनेगा पैसा। अब खबर की बात करते हैं जिसकी वजह से गिरावट हुई, तो ये खबर है, लाइव मिंट पर भी पढ़ सकते हो, हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर हिंदी में पढ़ सकते हो आप। वोडाफोन आइडिया शेयर में गिरावट हुई करके आर्टिकल है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप वहां पर। तो इस खबर का बहुत असर पड़ा है, शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया स्लिप्ड ओवर 4% टू 10 रुपए 53 पैसे तक ऑन द बीएसई इन इंट्राडे ट्रेड ऑन फ्राइडे। आई मीन रिपोर्ट दैट द डेब्ट लेडन टेलुगु फंड रेजिंग प्लान्स हैव लैंडेड इन अ सूप। VI stocks with Oak Hill Consortium have not led to a binding agreement as there were unresolved issues around funding terms. Funding terms को लेकर वहाँ पर unresolved issues थे, तो guarantees and claims को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा problem चल रहा था, तो उसको भी लेकर के वहाँ पर जो fundraising का काम था वो अभी रोक दिया गया है और वही एक बड़ा वजह बनी जिसकी वजह से इस stock में लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। अब बात करते हैं बाजार की, देखिए खरीदारी कर सकते हो कोई दो राय नहीं है, बट लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब करना क्या है, अब आप खरीदारी करते हो तो यहाँ पर जिम्मेदारी ये बनती है कि थोड़ा सा बाजार से सपोर्ट मांगो, अगर बाजार सपोर्ट करता है तो स्टॉक हमारा ऊपर की साइड भागेगा, अगर बाजार सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पर स्टॉक में थोड़ा दिन और बेरिश बन सकता है, तो वहां पर आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस होल्ड करके रखना है स्टॉक को, ठीक है। मेरी बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रांगली बाय रेटिंग नहीं है यहाँ पर, ये भी आप याद रखना, बाय करते हो तो होल्ड करना पड़ेगा और आपको बहुत बार मिनी हार्ट अटैक्स भी आएंगे यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक हमारा ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हालांकि, बट हाँ थोड़ा सा संभल के करनी है पाएंगे। यहाँ पर स्टॉक मार्केट देखोगे तो थोड़ा सा गिरावट के माहौल में, और उसका रीजन क्या है मैंने आपको जैसे बताया, तो FIIs ने 2000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर बाजार में डंप किया था, DIIs ने 1200 करोड़ के आसपास का माल बाजार में डंप किया था ऑन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन। फ्राइडे को 3200 करोड़ के आसपास का फ्री सप्लाई बाजार में आ गई, अब उसको जब तक ऑब्जर्व नहीं करते हैं चाहे वो FII खरीदे चाहे वो DII खरीदे, खरीद के दोबारा से रखेंगे, उसके बाद ही ये सारी जो सप्लाई है वो दोबारा से ऑब्जर्व होगी और बाजार हमारा दोबारा से पॉजिटिविटी की तरफ भागेगा। पर चूंकि आप देखोगे तो बाजार में कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है, चाहे पॉलिटिकली देखो आप चाहे इकोनॉमिकली देखो आप, यहाँ पर कोई बहुत भारी भरकम इवेंट नहीं आ रहा है जो हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जल्दी ही हमारा बाजार रिकवर करेगा और उसके साथ ही वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है हमारा वो भी तेजी से ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, होल्ड रेटिंग मेरी रहेगी अभी भी यहाँ पर। अब बात करते हैं चार्ट के और मंडे के टारगेट्स की, या मंडे को क्या करना है आपने। तो लोअर साइड पर 10 रुपए 30 पैसे का आपको एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर गिरावट होती है तो 10 रुपए 30 पैसे तक हमारा स्टॉक यहाँ पर होल्ड लेता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड तो आएगा ही आएगा इसमें अगर बाजार में सपोर्ट नहीं मिलता है तो, बट अगर बाजार में सपोर्ट मिलता है तो स्टॉक हमारा अपर साइड में भागेगा और 11 रुपए 15 पैसे का हमारा एक लेवल जो है वो वॉच करने लायक होगा, और ये लेवल मुझे लगता है कि जल्दी ही अचीव होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो बाजार सपोर्ट करेगा तो 11-15, बाजार सपोर्ट नहीं करता तो 10-30, आपको ये प्राइसेस याद रखने हैं और यहाँ पर सपोर्ट लेगा हमारा स्टॉक। हालांकि वोडाफोन आइडिया काफी कूल ऑफ हो चुका है यहाँ से जब गिरावट का माहौल बना था, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से सपोर्ट लेके जल्दी ही ऊपर की तरफ शूट अप करना चाहिए। अब बात करें टेक्निकल्स की, तो मैग्डी मैंने जैसा बताया आपको कि ये हमारा बेरी जोन में है, हिस्टोग्राम्स हमारे डाउनलोड बन रहे हैं, RSI 39 पहुंच चुका है जो कि प्रिटी बैड है हमारा यहाँ पर, बट ठीक है आप देखिए जिस तरह का स्टॉक है बेरिश मोमेंटम में है और खबरें भी काफी बुरी आई है तो RSI इतना होना बनता भी है। बाइंग दोबारा से आ रही है, इसका मतलब है कि जल्दी ही अप ट्रेंड में आ सकता है हमारा स्टॉक, ठीक है। होल्ड रेटिंग मेरी रहेगी यहाँ पर श्योरली, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट में शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेबसाइट पर जरूर विजिट करना, थैंक यू अगेन।